सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पाठक जी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पाठक जी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल का पैटर्न या फिर पासवर्ड भूल गए तो उसे आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं विदाउट कोई डेटा डिलीट किए हुए, जिसके सेवरल मेथड हैं। पहला है गूगल रिकवरी मोड और दूसरा एंड्रॉयड SDK टूल्स। ये दो मेथड में आपका कोई डेटा डिलीट नहीं होता है और थर्ड वन है फुल फैक्ट्री रीसेट में, जिसमें आपके सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। मेथड वन, गूगल रिकवरी मोड। इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड या फिर पैटर्न ट्राई करते रहना है, फिर आपको ट्राई अगेन 30 सेकेंड शो करने लगेगा और नीचे ही आपको फॉरगेट पैटर्न भी शो कर रहा होगा, तो आपको फॉरगेट पैटर्न पे क्लिक करना है। फॉरगेट पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है जो फर्स्ट टाइम अपना मोबाइल सेटअप करते टाइम डाले थे। तो सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली एक पेज ओपन होगा जहाँ से आप नया पैटर्न या फिर पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर लॉक स्क्रीन हटा सकते हैं। तो मैं लॉक स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, नो लॉक स्क्रीन पे क्लिक करूँगा, जिससे मेरा सेट मोबाइल में कोई भी पैटर्न या फिर पासवर्ड नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली ओपन हो गया है। सेकेंड मेथड, एंड्रॉयड SDK टूल्स। तो सबसे पहले आपको गूगल में एंड्रॉयड SDK टूल्स सर्च करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड SDK टूल्स पे क्लिक करना है। फिर आपको एक नया पेज ओपन होगा, उस पेज के एंड में आपको जाना है, वहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो बंडल है वो फाइल को डाउनलोड करना है। तो क्लिक एंड्रॉयड स्टूडियो बंडल्स पे, तो आपको उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड एग्री एंड नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग आपका स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपका जो लॉक एंड्रॉयड डिवाइस है उसके USB डीबगिंग मोड इनेबल होना चाहिए, तो ही आपका ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं। स्टेप वन, सबसे पहले आपका जो लॉक एंड्रॉयड डिवाइसेस है उसको PC या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए USB के हेल्प के मदद से। स्टेप टू, फिर जहाँ पे आपको एंड्रॉयड SDK टूल्स आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया अपने PC या फिर लैपटॉप में, उसको ओपन कीजिए। तो क्लिक लोकल से क्लिक यूज़र, क्लिक ऐप डेटा, क्लिक लोकल, क्लिक एंड्रॉयड, क्लिक SDK, क्लिक प्लेटफॉर्म टूल्स एंड प्रेस शिफ्ट बटन एंड क्लिक लेफ्ट माउस बटन एंड ओपन कमांड विंडो। फिर आपके सामने कमांड विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आपको ADV डिवाइसेस टाइप करना है, जिससे आपको पता चलेगा आपका मोबाइल कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। तो टाइप ADV डिवाइसेस एंड प्रेस इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिवाइस आपको शो कर रहा है ये आपका कनेक्ट है। उसके बाद आपको ये जो कमांड दिख रहा है वो आपको कमांड पूरा टाइप करना है। तो ओपन कमांड विंडो एंड टाइप एंड प्रेस इंटर। फिर आपको यहाँ पे आपका जो लॉक मोबाइल था वो अनलॉक हो गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, फिर इजीली आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। Thank you.